आज का हमारा टॉपिक है फ्लैग। शिप पे फ्लैग कब होइस्ट करना है, कब लोअर करना है। चार फ्लैग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि हर एक डेक ऑफिसर्स हो या डेक रेटिंग्स हो, उनको मालूम होना चाहिए। एनसाइन फ्लैग क्या है, कंपनी फ्लैग कहाँ पे होइस्ट करना है, अल्फाबेटिकल न्यूमेरिकल फ्लैग्स, आंसरिंग पेंडेंट वो कहाँ पे होइस्ट करने हैं। अगर आपके शिप पे फॉरवर्ड मास्ट में अगर आप लोग फ्लैग्स होइस्ट करते हो, देन स्टारबोर्ड साइड या पोर्ट साइड कौन सा फ्लैग होइस्ट करना है। बिकॉज फ्लैग्स उतना भी नॉर्मल चीज नहीं है। अगर आपने उल्टा फ्लैग लगा दिया है या फिर आधा लोअर करके रखा है, फ्लैग्स की वजह से बहुत सारे शिप्स पे फाइन भी लगते हैं। बहुत सारे रीजन भी है, वो रीजन भी बताऊंगा। सो जो जो वेसल को फाइन लगा होगा वो लोग तो ये वीडियो पूरी देखेंगे, आई एम श्योर। सीधा उल्टा उसमें फ्लैग्स पे मार्किंग रहती है, सो वो मार्किंग के बारे में भी आज की इस वीडियो में बात करेंगे। एंड कुछ फॉर्मूलाज में आप लोगों को बताऊंगा, ताकि आप लोगों को ये चीज जिंदगी भर याद रह जाए। क्योंकि बल्क कैरियर टैंकर या बड़े बड़े कंटेनर वेसल में 10 15 20 दिन के बाद फ्लैग होइस्ट करना है, तब आप लोग शायद भूल जाते हैं। इनफेक्ट मैं भी भूल जाता हूँ समटाइम्स कि स्टारबोर्ड साइड कौन सा लगाना है, पोर्ट साइड कौन सा लगाना है। सो सभी चीजें आज की इस वीडियो में क्लियर करेंगे। सो हेलो गाइस, मैं वल्के सोलंकी एंड यू आर वॉचिंग मरीन ज्ञान, इट्स अ सी फेयर्स वॉइस। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले तो मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, धन्यवाद करना चाहूंगा। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी। आप लोगों के सपोर्ट की वजह से आज हमारी 5K YouTube फैमिली हो चुकी है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग मी एंड कीप सपोर्टिंग मी लाइक दिस। आप लोग कमेंट करते रहिए, आप लोगों को जो भी टाइप का वीडियो है मैं जितना जल्दी हो सकते बनाने की कोशिश करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग मी, और ऐसे ही सपोर्ट देते रहिए। एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, बिकॉज आप लोगों के लाइक से मुझे और भी मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने का। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो फ्लैग्स के बारे में बात कर रहे थे, बहुत ही एक सिंपल सा तरीका है जो कि आप लोगों को याद करने के लिए इजी है। स्टारबोर्ड साइड या फिर राइट साइड कंट्री फ्लैग एंड कंपनी फ्लैग लगाना है, ये हमेशा से याद रखना है। सो आप लोगों को फॉर्मूला है कि SC या फिर RC याद रखना है। यस, राइट साइड कंट्री या कंपनी फ्लैग, मतलब कोई भी कंट्री में जाओगे कंट्री फ्लैग तो लगना ही लगना है, लेकिन कंपनी फ्लैग कोई कोई कंपनी की रिक्वायरमेंट रहती है कि कोई भी कंट्री में आप जाओगे कंपनी फ्लैग भी आप लोगों को होइस्ट करना है। नहीं तो नॉर्मली क्या करते हैं कि कंपनी का फ्लैग जब कोई इंस्पेक्शन या ऑडिट या ऐसा कुछ होने वाला है, या फिर वो कंट्री की रिक्वायरमेंट है कि आपका कंपनी फ्लैग भी होइस्ट करना है, तभी होता है। नॉर्मली सभी वेसल्स पे कंपनी फ्लैग नहीं होता, लेकिन कंट्री फ्लैग आप लोगों को याद रखना है, हमेशा से सभी कंट्रीज में रहता है। और बाकी के जितने भी फ्लैग्स है लाइक आंसरिंग पेंडेंट वो बहुत कम यूज होते हैं, दूसरा है कि न्यूमेरिक पेंडेंट वो भी बहुत कम यूज होता है, लेकिन मेन चीज है कि अल्फाबेटिकल फ्लैग, जैसे चार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को हमेशा से याद रख लेने हैं, बाय हार्ट कर लेने हैं, चाहे आप शिप पे हो या फिर अभी आप शिप पे जाने वाले हो। पहला है अल्फा, जो कि हमारा A फ्लैग है अल्फा, उसके सिंबल्स उसके मैं फोटोज आप लोगों को दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों को याद करने के लिए इजी होगा। वो हम लोग कब लगाते हैं, जब डाइवर्स या फिर डाइविंग ऑपरेशन होता है, जब वो एंकरेज पे ही डाइविंग ऑपरेशन होता है, तब आप लोगों को अल्फा फ्लैग होस्ट करना है। दूसरा है ब्रावो, जो कि डेंजरस गुड्स आप लोगों ने शिप पे लोड कर रखा है या लोडिंग कर रहे हो या डिस्चार्जिंग कर रहे हो, तब आप लोगों को ब्रावो फ्लैग भी होइस्ट करना है। ब्रावो फ्लैग बंकरिंग ऑपरेशन के टाइम पे भी होइस्ट करना है, वो आप लोगों के ऑफिसर्स आप लोगों को बताएंगे। तीसरा है होटल फ्लैग, पायलट फ्लैग, यस पायलट ऑन बोर्ड जब कभी भी हो, चाहे अराइवल हो या डिपार्चर हो या एंकरेज डालने जा रहे हो या कहीं पे भी हो, चैनल में जा रहे हो, तब आप लोगों को होटल फ्लैग, जैसे ही पायलट शिप पे आएगा आप लोगों को एक फ्लैग होइस्ट करना है, वो है होटल फ्लैग। उसका सिंबल भी आप देख लीजिए अच्छे से, ताकि आप लोगों को याद रह जाएगा। चौथा फ्लैग है क्वारंटीन फ्लैग, येलो कलर का फ्लैग है, क्यूबेक बोलते हैं जिसको, क्यूबेक फ्लैग, वो भी इम्पोर्टेंट है। मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को सभी कंट्रीज में जब अराइवल कर रहे हो तब क्यूबेक फ्लैग लगाना है, वो येलो कलर का फ्लैग रहेगा। सो जो भी अल्फाबेटिकली फ्लैग है वो सभी पोर्ट साइड में लगेंगे, मतलब पोर्ट साइड अदर फ्लैग्स।
सो पोर्ट साइड के लिए अल्फाबेटिकल न्यूमेरिक आंसरिंग पेंडेंट एंड कंट्री फ्लैग एंड जो कंपनी फ्लैग है वो आप लोगों को स्टारबोर्ड साइड में लगेगा। और दूसरा मेन फ्लैग है जो कि हर बार आप लोगों को होइस्ट करना है वो है एनसाइन फ्लैग। ड्यूरिंग पोर्ट या ड्यूरिंग एंकरेज जब कभी भी रिक्वायरमेंट है तब एनसाइन फ्लैग होइस्ट होता है। सो एनसाइन फ्लैग क्या है, जो आप लोगों का वेसल है उसकी पोर्ट ऑफ रजिस्ट्री, मतलब अगर आप लोगों का वेसल पनामा फ्लैग है तो आप लोगों का पनामा फ्लैग एनसाइन फ्लैग मतलब शिप पे लास्ट में जो आफ्ट मास्ट बोलते हैं उस पे होइस्ट करना है। मैं आप लोगों को वीडियोस भी दिखाते जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया आ जाएगा। सो फॉरवर्ड मास्ट में जो कभी भी फ्लैग्स लगाने हैं, बहुत सारे वेसल्स ऐसे हैं जिसमें फॉरवर्ड मास्ट पे फ्लैग्स होइस्ट करने रहते हैं, तब आप लोगों को सेम चीज फॉलो करना है। और आप लोगों को अगर कुछ भी डाउट है कि उल्टा कैसे है सीधा कैसे है, सो उसके लिए मैंने बताया था आप लोगों को कि एक बुक है जो कि हर एक शिप पे ब्रिज पे रहती ही रहती है। उसमें वर्ल्ड के जितनी भी कंट्रीज है, मोर देन 170 कंट्रीज है हमारे वर्ल्ड में, उन सभी कंट्रीज के फ्लैग उसमें आपको मिल जाएंगे। सो आप वहां से वो फ्लैग जो आपको लगता है डाउट है कि ये उल्टा कैसा है सीधा कैसा है, तो वहां से आप लोगों को पता चल जाएगा। नेक्स्ट मैंने बोला था मार्किंग के बारे में, बहुत सारे न्यू फ्लैग्स आते हैं उसमें मार्किंग्स नहीं रहती है, और अभी के टाइम पे स्पेशली फ्लैग्स में दोनों साइड सेम डिस्टेंस पे आप लोगों को जो हुक है लगा रहेगा या फिर वहां पे जो रोप है वो लगी रहेगी, तो दोनों साइड सेम है, आप लोगों को पता नहीं चलेगा उल्टा कैसे है सीधा कैसे है। पहले के टाइम पे क्या रहता था कि जो छोटी साइड है एंड दूसरा लंबा एंड रहेगा नीचे का, मतलब कि जो छोटा वाला एंड है हमेशा ऊपर जाएगा एंड जो लंबा वाला एंड है फ्लैग के साथ अटैच वो हमेशा से नीचे जाएगा, वैसे वाले पहले मार्किंग्स रहते थे। अभी ऑलमोस्ट मैंने देखा है नए जो भी फ्लैग्स आते हैं उसमें सभी में दोनों साइड सेम हुक लगा रहेगा। सो आप लोगों को पता करना पड़ेगा कि उल्टा कैसे है सीधा कैसे है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये सभी चीजों की वजह से भी बहुत सारे वेसल्स को फाइन लग सकते हैं। तो बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, NP100 करके एक बुक है, अभी इलेक्ट्रॉनिक भी आ गया है जो कि आप लोगों को डायरेक्टली पीसी पे या फिर ब्रिज के कंप्यूटर पे मिल जाएगा ENP100 करके। सिर्फ टाइमिंग्स की बात करेंगे, आप लोगों को कभी लोअर करना है कभी होइस्ट करना है, मॉर्निंग जैसे ही सनराइज होगा आप लोगों को फ्लैग होइस्ट कर लेना है एंड जैसे ही सनसेट होगा आप लोगों को फ्लैग लोअर कर लेना है। सो रीजन मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को कि क्यों क्यों फाइन लग सकते हैं। पहला रीजन है अगर आप लोगों ने उल्टा फ्लैग लगा दिया उसकी वजह से फाइन लग सकता है। दूसरा रीजन है आपने फ्लैग होइस्ट किया है लेकिन थोड़ा सा नीचे, मतलब कि हाफ मीटर या उससे थोड़ा कम या ऐसा फुल्ली होइस्ट नहीं किया है उसकी वजह से भी फाइन लग सकता है। तीसरा है कि अगर आप लोगों ने फ्लैग राइट साइड की जगह पे लेफ्ट साइड मतलब स्टारबोर्ड की जगह पे पोर्ट पे कंट्री फ्लैग होइस्ट कर दिया है उसकी वजह से भी फाइन लग सकता है। चौथा रीजन है कोई कोई कंट्रीज बोलती है कि मॉर्निंग 6 o'clock होइस्ट होना चाहिए, इवनिंग 6 o'clock आपको लोअर कर देना है, हो सकता है आप लोगों को वो चीज की वजह से भी फाइन लग सकता है। नेक्स्ट हमारा रीजन है कि बहुत सारे शिप्स में मैंने अभी भी देखा है हमेशा फुल नाइट फ्लैग्स होइस्ट ही रहते हैं, सो वो रीजन की वजह से भी फाइन लग सकता है। और कुछ कुछ वेसल्स मैंने देखे हैं डे टाइम में भी फ्लैग होइस्ट ही नहीं किया रहता है, सो ये रीजन की वजह से भी फाइन लग सकते हैं। ये रीजंस आप लोगों को नॉर्मल लगेगा लेकिन जो छोटी मोटी नॉर्मल कंट्रीज है उसमें इतना वैल्यू नहीं देते हैं वो लोग, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है उसमें फ्लैग्स की वैल्यू बहुत है। सो आप लोअर करने जाते हो तब भी प्लीज रिस्पेक्ट कीजिए, कोई भी कंट्री का फ्लैग हो आप लोअर करते हो तब अपने कंधे पे ले लीजिए एंड लोअर कर लीजिए, बाद में खोल के उसको निकाल लीजिए भी। सो आई होप आप लोगों को रिलेटेड टू फ्लैग्स जो भी इंफॉर्मेशन थी वो सही से समझ में आ गई होगी। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकॉन को प्रेस जरूर कर लेना और कमेंट जरूर कीजिए आप लोगों को कौन से टाइप के वीडियोस चाहिए, मैं जितना हो सकता है वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस एंड आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।